हे दोस्तों, जब पूरा 2020 बेकार जा रहा था, तब अगस्त महीने ने सारा का सारा भार अपने कंधों पे लेते हुए खुशियों की लहरें लाई। शुरुआत हुई 5 अगस्त से और अब 15 अगस्त में जब हम सब भारत देश की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तब महिंद्रा थार फाइनली अनवील हो गई। महिंद्रा थार 2020 फेसलिफ्ट वर्जन। और क्या अनवील हुई इसका नया लुक, नया इंटीरियर, साथ साथ नए फीचर्स। क्या ट्रेंडी, मॉडर्न और मस्कुलर लग रही है। मतलब जो फीचर फिल्म महिंद्रा ने रिलीज की है इसकी, वो देख के भी बहुत मजा आ रहा है। क्या लग रही है चलते हुए गाड़ी, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न। आई एम तो लविंग इट। ऐसा पहली बार होगा जब इसके बायर्स के टाइप्स में कुछ और नए लोग शामिल होंगे। मतलब अभी तक इसको सिर्फ ऑफ रोड लवर्स चूज करते थे, पर अब इसको अर्बन सिटी राइडर्स भी चूज कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द न्यू बॉडी एंड फीचर्स। तो चलिए देखते हैं न्यू 2020 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट BS6 में क्या नया आया है। ये वही गाड़ी है जिसका हम काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। यस, दिस हैज गॉन क्लोजर टू द लीगेसी ऑफ द मॉडर्न डे रैंगलर, और वो तो सभी फैंस एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। महिंद्रा ने कस्टमर फीडबैक एंड सजेशंस को ध्यान में रखकर बहुत डिटेल में छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, बट सम थिंग्स आर रियली सरप्राइजिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। एक एक करके सारे नए फीचर्स और एक्सक्लूसिव्स को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। द न्यू लुक्स डिस्पाइट मेंटेनिंग टाइमलेस डिजाइन ऑफ CJ5 इज एक्सट्रीमली मॉडर्न और बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पोररी अभी बाहर से भी लग रही है। प्रॉपरली एक महंगी गाड़ी लगती है ये। पहले थार जो थी वो लुक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी, वो ऑफ रोड परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देती थी, लेकिन अब जो है थार लुक्स, परफॉर्मेंस, इंटीरियर, प्रीमियम हर चीज पर ध्यान देने वाली गाड़ी बन चुकी है। इसमें अब ड्यूल टोन बम्पर भी आता है, इसका हुड भी और ज्यादा बेटर लगने लगा है, व्हील आर्च क्लैडिंग भी इसमें लगी हुई आ रही है, LED हेडलैम्प्स हैं, हेलोजन फोग लैम्प्स भी हैं, फॉलो मी हेडलैम्प और लीड मी टू थार हेडलैम्प वाला फीचर भी है, DRL सब इसमें आते हैं, इसके टेल लैम्प्स भी अब LED हो चुके हैं, ORVM जो है वो भी इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं, टायर्स और ज्यादा बड़े हो गए हैं, 18 इंच की रिम्स अब इसमें आती है, अलॉय व्हील्स भी नए डिजाइन के साथ आ रहे हैं, कलर टोन्स भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कलर टोन्स हैं जो इंडिया की ज्यादातर गाड़ियों में नहीं देखने को मिलते, सो दैट इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर। और थार के टॉप के बारे में बात करें तो पहले इसमें सॉफ्ट टॉप आता था और हार्ड टॉप हमें अलग से ऑप्ट करना पड़ता था, बट अब गाड़ी खरीदते वक्त ही आप चूज कर सकते हैं हार्ड टॉप, सॉफ्ट टॉप एंड कन्वर्टिबल के बीच। सेफ्टी सिस्टम भी अब इसकी और इम्प्रूव हो गई है। ये गाड़ी अब वर्ल्ड क्लास सेफ्टी सिस्टम्स के साथ आती है। ABS विथ EBD, ड्यूल एयर बैग्स, ESP विथ रोल ओवर मिटिगेशन, ISOFIX विथ चाइल्ड सीट माउंट, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रोल केज, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच इनकेस आप एक्सट्रीम ऑफ रोड कर रहे हो साइड में किसी को बैठा करके, छोटा मोटा पत्थरों से टकराना आपको लगता है पॉसिबल होने वाला है तो वो स्विच आप बंद कर दो। उससे क्या होगा कि पैसेंजर को छोटे छोटे हिट्स पर एयरबैग ऊपर लगने का खतरा नहीं रहेगा। स्नो चेन प्रोविजन फॉर टायर्स ये भी एक फीचर में ऐड हो चुका है। स्पीड सेंसिंग डोर ऑटोलॉक भी अब इसके अंदर आ रहा है। ओवर स्पीडिंग वार्निंग भी। मतलब न्यू जनरेशन सेफ्टी सिस्टम्स के साथ अब ये गाड़ी आती है और गवर्नमेंट के नए लॉज को भी फॉलो करती है, विच मीन्स दिस कार इज नाउ मोर मॉडर्न, मोर अर्बन एंड मोर कंटेम्पररी फॉर श्योर। कंफर्ट के बारे में बात करें तो सिटिंग तो इसकी अच्छी है ही अब, लेकिन इसमें न्यू इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर मल्टीलिंक सस्पेंशन भी आ चुके हैं जो अब इसके ड्राइव को सिटी और बैड रोड में और अच्छा बना सकेंगे। बाकी तो अब जब इसको हम ड्राइव करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना अच्छा है ये सस्पेंशन कम्फर्ट देने में। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में अब बात करें। सबसे पहले तो बेहतरीन बात यह है कि अब एक ऑल न्यू 2.0 एम स्टेलियन 150 पेट्रोल इंजन इसमें लग चुका है जो पहले कभी नहीं देखा गया था थार में। एटलीस्ट महिंद्रा की ज्यादातर गाड़ियों में 2.0 पेट्रोल इंजन तो पहले कभी नहीं देखा गया, एंड अब तक का ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन ये है नए जनरेशन वाली महिंद्रा कार्स में। यही सेम 2.0 पेट्रोल इंजन आपको आगे XUV500 और स्कॉर्पियो में भी देखने को मिल सकता है। शुक्र है कि महिंद्रा बोलेरो की तरह 1.5 इंजन इसमें नहीं डाला गया। पेट्रोल इंजन 2.0 और डीजल इंजन 2.2 है। पेट्रोल इंजन के पावर आउटपुट के बारे में अगर हम देखें, ये मैक्सिमम 150 PS जनरेट कर सकता है 5000 RPM पर, और टॉर्क डिलीवरी अगर इसकी देखें तो 300 Nm तक की मैक्सिमम टॉर्क के 1250 से 3000 RPM के बीच बना सकता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका टॉर्क डिलीवरी और इम्प्रूव हो जाता है, 320 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 1500 से 3000 RPM तक। सो आई थिंक पेट्रोल ऑटोमेटिक विल बी ग्रेट फॉर द लाइफस्टाइल बायर्स। वेरिएंट्स के बारे में आगे समझाते हुए मैं इसके बारे में और बताऊंगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर की है इस गाड़ी की।
डीजल इंजन के बारे में बात करें, एक रीडिफाइंड न्यू पावरफुल एमहॉक 130 डीजल इंजन इसमें आता है 2.2 लीटर का। ये डीजल इंजन 130 bhp तक जनरेट कर सकता है 3750 rpm पर एंड 300 न्यूटन मीटर टॉर्क मैक्सिमम जनरेट कर पाएगा 1600 से 2800 rpm तक। मतलब मैक्सिमम पावर आउटपुट और मैक्सिमम टॉर्क डिलीवरी पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन से भी ज्यादा है। सो अगेन अर्बन बायर्स को पेट्रोल इंजन का ज्यादा मजा आने वाला है। और डीजल इंजन वाले जो हैं वो 4x4 ऑफरोडर को लो स्पीड पर चलाने के लिए इसके डीजल इंजन से काफी सेटिस्फाइड रह सकते हैं, और वो चीज भी हमें ड्राइव करते हुए पता चल ही जाएगी। डीजल इंजन अगेन CRDE ही है पहले की तरह, और जो पेट्रोल इंजन है वो TGDI टेक्नोलॉजी के साथ है। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी मैं गाड़ी को चलाने के टाइम पर एक डिटेल रिव्यू में समझा दूंगा। पुरानी वाली थार देखा जाए तो 2.5 CRDE डीजल इंजन के साथ आती थी, लेकिन उसका पावर आउटपुट और टॉर्क दोनों कम था अभी के कंपैरिजन में। 63 PS और 195 NM जनरेट कर पाता था वो इंजन ज्यादा सीसी का होने के बावजूद। सो न्यू इंजन विद स्मॉलर कैपेसिटी येट मोर पावरफुल वो ज्यादा बेटर और मोर एफिशिएंट रहने वाले हैं पुरानी थार से, इसलिए ये गाड़ी अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सूट हो पाएगी एंड ये ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ चुकी है। अब ये अपने कॉस्ट को और बेहतर तरीके से जस्टिफाई भी कर पाएगी, और अब लोगों को आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा कि थार ले या क्रेटा। इसके अलावा इस गाड़ी के टेक्स पिक्स में बात किए जाने वाली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि यह थर्ड जनरेशन न्यू चासी आ चुकी है और नए ऑफरोड मैकेनिकल स्पेस में आ चुके हैं, जो मिलकर के बेहतर परफॉर्मेंस आपको देंगे ही देंगे, बट आपको और ज्यादा कन्वीनियंट ड्राइविंग भी मिलेगी। रिलायबिलिटी इस गाड़ी की अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंजन एंड ड्राइविंग की बात हो ही रही है तो क्रूज कंट्रोल भी इसमें आ चुका है, विच वी शुड नो। एक नया 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है जो काफी स्मूथ रहेगा, और एक नया 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी इसमें आ चुका है, जो कि अब कई सारे कस्टमर्स को और ज्यादा फन दे सकता है ड्राइविंग में। इसकी ऑफरोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए इसमें एक नया शिफ्ट ऑन फ्लाई फोर व्हील ड्राइव लो रेंज ट्रांसफर केस भी ऐड किया गया है, जो कि ओल्ड स्कूल शिफ्टर के साथ ही है, बट ऑब्वियसली ऑफरोड के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें काफी सारे ट्विक्स किए गए हैं। इसके डिफरेंशियल अभी भी सेम ऑटोमेटिक वाले MLD है, यानी कि मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल्स, जो कि थार को बहुत पहले से ही पॉपुलर बनाते आए हैं, एंड आई एम श्योर कि ये भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया ही होगा। इंटीरियर की अब बात करें तो सबसे पहले तो इसमें फ्रंट में पावर विंडोज हैं, रिमोट कीलेस एंट्री है, इंटीरियर काफी प्रीमियम हो चुका है डैशबोर्ड से लेकर के सिटिंग अपहोल्स्ट्री तक, ड्राइवर की सीट अब हाइट एडजस्टेबल है, लंबा सपोर्ट भी उसमें ऐड कर दिया गया है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग माउंटेड फोन एंड म्यूजिक कंट्रोल भी है, सेंटर कंसोल भी और ज्यादा यूजफुल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें काफी सारे ऐड हो गए हैं, TFT वाला MID स्क्रीन भी है जिसमें आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को सिंक कर सकते हो, एक 7 इंच की नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी इसमें ऐड हो चुकी है जो कि टच स्क्रीन भी है, और उसमें टायरट्रॉनिक्स यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आप देख पाएंगे, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स इसमें है जो आपको बेसिक म्यूजिक एक्सपीरियंस दे ही देगा, एंड आई एम श्योर इसमें भी आप एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। USB चार्जिंग पोर्ट भी इसमें अब है, इसका IRVM भी मैन्युअली डिमिंग है, ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी भी इसमें है जो कि आजकल ज्यादा से ज्यादा नई गाड़ियों में ऐड होता जा रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC इसमें है, मतलब इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है हीटिंग कूलिंग एंड वेंटिलेशन के लिए। MID में ऑफरोड के बहुत सारे फीचर्स अब नजर आने वाले हैं, जैसे कि टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग, TPMS और एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, अगर आपकी गाड़ी पानी में जा रही है तो कितने डिग्री पर जा रही है, किस एंगल पर जा रही है, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम लैंड रोवर में देखा करते थे, बट अब फाइनली वो थार में भी ऐड हो गए हैं। लगता है महिंद्रा ने फाइनली थार को एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरोड व्हीकल मान ही लिया है, जो अब ना सिर्फ ऑफरोड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया करेगी बल्कि आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन भी में दिखाती रहेगी। दिस इज ग्रेट। तीनों वेरिएंट्स के सारे फीचर कंपैरिजन तो आपको अभी स्क्रीन पर मैं दिखा ही रहा हूँ, ज्यादातर इम्पोर्टेंट फीचर्स तो सारे ही वेरिएंट्स में है, कुछ कन्वीनियंस की टेक्नोलॉजी फीचर्स जो है वो सिर्फ आपको एलेक्स वेरिएंट में मिलते हैं, क्योंकि वही एक टॉप एंड वेरिएंट है। अब बाकी तो ऑफ रोड एसेंशियल्स में ज्यादातर फीचर्स तीनों वेरिएंट्स में मिलेंगे, बस एक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको सिर्फ टॉप एंड एलेक्स वेरिएंट में मिलने वाला है। आई थिंक फीचर डिस्ट्रीब्यूशन 90% तक बढ़िया ही लग रहा है, एक दो चीजें छोड़ करके बाकी सब चीजों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है वेरिएंट्स में महिंद्रा ने। बाकी तो 2 अक्टूबर को जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तभी हमें पता चलेगा कि कौन से फीचर्स के हिसाब से किस वाले वेरिएंट का क्या प्राइस रखा गया है और किस तरह से वो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली जस्टिफाई हो पाता है। मुझे इस नई महिंद्रा थार की ऑन रोड प्राइस एक्सपेक्टेड है लगभग 15-20 lakh तक, ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, हाउएवर जितने नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, BS6 के नए रिफाइंड इंजन जो इसमें ऐड किए गए हैं, और 2020 के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो प्राइसिंग ज्यादा बढ़ चुकी है सभी गाड़ियों की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 15-20 lakh इस गाड़ी की कीमत डेफिनेटली होनी ही चाहिए।
कुछ लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी एक्सट्रीम प्राइस 10 लाख से शुरू हो सकती है, मुझे वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। हाउएवर लेट्स सी, लेट्स नॉट अज्यूम। 2 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस जो थार और बाकी की अच्छी एसयूवीज के बारे में हो सकते हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।